लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं शुभम, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, इंडिया की तरफ से। आज हम ईवीएस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2016 के सीटेट में आ चुका है, तो हमने वहाँ से क्वेश्चन को लिया है। तो कोशिश करेंगे कि आज हम 30 के 30 क्वेश्चन को पूरा कम्प्लीट कर लें, और ये हमारा जो सेशन है वो हाफ एन आवर के ऊपर का होने वाला है। बट ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ लास्ट तक आप बने रहिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक बार हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट प्रोसीजर इज लीस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि कौन सा इसमें से है जो इसमें सबसे ज़्यादा लीस्ट अप्रोप्रिएट है, अगर हम ईवीएस की बात करें, ईवीएस के असेसमेंट की बात करें तो। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज गिविंग पर्सनल डिटेल्स एंड इंडिविजुअल फीडबैक टू आर चाइल्ड इज आर डिजायरेबल प्रैक्टिस। और सेकेंड वन इज है प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ लर्निंग इंडिकेटर एंड सब इंडिकेटर्स मेक्स द रिपोर्टिंग मोर डिटेल्ड। एंड थर्ड वन इज रिमार्क्स लाइक फेयर गुड एंड वेरी गुड गिव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ चाइल्ड लर्निंग एंड दी है पोर्टफोलियोज ऑफ चिल्ड्रेन शुड नॉट कंटेन ओनली देयर बेस्ट वर्क बट ऑल काइंड ऑफ वर्क्स। अगर हम बात करें लीस्ट अप्रोप्रिएट की, सो द लीस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी गिविंग पर्सनल डिटेल्स एंड इंडिविजुअल फीडबैक टू आर चाइल्ड इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस। सो द राइट आंसर वुड बी ए वाला। एंड सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली। ऑलराइट, एक बार पढ़ लेते हैं केयरफुली हम। हैव यू एवर सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? ऑलराइट, राइट द नेम्स इन द नोटबुक। तो ये हो गई एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया जो हमने केयरफुली पढ़ा। विच प्रोसेस स्टिल स्किल इज असेस्ड थ्रू दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन से कौन सी ऐसी जो कौन सा ऐसा असेस है, मतलब कौन सी स्किल है जो असेस होगी, जिसका असेसमेंट होगा वो बताना है। सो द फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन एंड डिस्कशन, एंड सेकेंड वन इज हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड थर्ड वन इज कंसर्न फॉर जस्टिस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड इसका डी है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। ऑब्वियसली बच्चा ऑब्जर्व करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। सो देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेसेस एनवायरमेंटल इश्यूज बाय यूजिंग द कंटेंट्स एंड मेथड्स ऑफ, एंड सेकंड इसका फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं साइंस एंड सोशल साइंस, सेकंड है सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, एंड थर्ड है इसका साइंस, और फोर्थ है सोशल साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। बिल्कुल तीनों की बात हो रही है, तो इंटरडिसिप्लिनरी में ये तीनों आएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ ए गिव द क्वेश्चन, राइट फाइव एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज। सेकंड है व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ट्रीज ऑन द अर्थ, एंड आफ्टर दैट है के एक मिनट लर्नर। ओके, इसका आगे का देख लीजिए। आगे है व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज क्वेश्चंस, यानी कि इन क्वेश्चंस का नेचर क्या है। सबसे पहला देखिए आप, ए इज क्लोज एंडेड एंड कन्वर्जेंट, एंड बी इज ओपन एंडेड एंड डाइवर्जेंट। इसका जो बी है, ए इज ओपन एंडेड कन्वर्जेंट एंड बी इज क्लोज एंडेड डाइवर्जेंट। थर्ड ऑप्शन है ए इज ओपन एंडेड डाइवर्जेंट, ए इज ओपन एंडेड एंड डाइवर्जेंट, एंड बी इज क्लोज एंडेड कन्वर्जेंट। इसका डी ऑप्शन है ए इज क्लोज एंडेड एंड डाइवर्जेंट एंड बी इज ओपन एंडेड कन्वर्जेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ए इज ओपन एंडेड कन्वर्जेंट एंड बी इज क्लोज एंडेड कन्वर्जेंट। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टू अबाउट असेसिंग लर्नर्स इन ई वी एस इन क्लास ए फर्स्ट। पहली क्लास में अगर हम ई वी एस को हम असेस कर रहे हैं बच्चों को, तो कैसे करेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ओरल टेस्ट,
चिल्ड्रेन में नॉट बी एबल टू राइट, सेकेंड ऑप्शन है ड्राइंग एज चिल्ड्रेन इंजॉय इट, थर्ड है टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, डी है देयर इज नो नीड ऑफ असेसमेंट इन व्यू ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सबसे करेक्ट आंसर इसका, ए बी एंड सी, दूसरा है इसका ओनली डी, सी है ए एंड बी, एंड इसका फोर्थ है सी एंड डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, बिकॉज हम बच्चों का ऑरल टेस्ट भी ले सकते हैं, ऑरल टेस्ट भी हो सकता है बच्चों का, ड्राइंग भी करवा सकते हैं बच्चों से, और टीचर का ऑब्जर्वेशन भी देखा जा सकता है कि हाँ बच्चा किस तरीके से की हरकतें कर रहा है क्लास में, पढ़ाई में मन लग रहा नहीं लग रहा है। तो पहली क्लास में इस बेसिस पे हम EBS में बच्चों को असेसमेंट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लास फिफ्थ टीचर टेक्स एन एल्यूमिनियम फॉइल एंड पुट्स इट इन वाटर एंड सोज दैट इट फ्लोट्स, शी देन कंपल्स एंड स्क्वीजेस द फॉइल टाइटली एंड पुट इट इन वाटर अगेन एंड सोज टू द स्टूडेंट दैट इट सिंक्स, शी देन आस्क द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड गिव रीजन वाई दे थिंक दिस हैज हैपेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल विल बी यूज इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। एक पांचवी क्लास का टीचर है जो एक एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लेकर आया है, एक एल्यूमिनियम फॉइल जिसको उसने पानी में रखा, उसने अलग अलग तरीके से रखा और उसमें अलग अलग उसने हरकतें देखी, यानी कि अलग अलग उसमें एक्टिविटीज हुई दोनों में। तो जो बच्चों को टीचर ने दिखाया, अभी टीचर ने बच्चों से ये पूछा कि ये क्यों हुआ, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्किल है, कौन सी स्किल का ये बेस्ड है जो क्वेश्चन है ये, तो हमें बताना है। तो जो पहला है, फर्स्ट वन है इसका हाइपोथेसिसिंग, दूसरा है क्लासीफाइंग, और इसका थर्ड है ऑब्जर्वेशन, एंड फोर्थ है मेजरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका हाइपोथेसिसिंग, क्योंकि बच्चा उसको बहुत ज़्यादा पहले सोचेगा, ध्यान से शायद खुद भी करके देखे, तो इज द राइट आंसर। ओके, लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ EBS पैडागॉजी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिजायरेबल प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको छोड़ के बाकी सारे इसके EBS के कॉन्टेक्स्ट में है जो डिजायरेबल प्रैक्टिसेस हैं। तो पहला देख लेते हैं हम, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा है नर्चरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, और इसका थर्ड है एक्नॉलेजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक नॉलेज एवर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही बात है इसका सी का, लेकिन लास्ट भी देख लेते हैं, प्रमोटिंग प्लूरलिटी ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। सी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम जो सुपीरियरिटी हमने टेक्स्ट बुक को ही नहीं दिया है, हमने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को भी बच्चों को बोला है। सो डी वुड बी द सॉरी डी वुड बी नॉट डी वुड बी सी वुड बी द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं हम, महेश क्लास फिफ्थ टीचर प्लान्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पज। पहला हो गया कंडक्टिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन, दूसरा है मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नर्चर वन ट्री, ये तो सबसे बेस्ट हो सकता है और आज के ज़माने में भी यही चल रहा है, तो ऑब्वियसली आगे देख लेते हैं एक बार। इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन पोस्टर कॉम्पिटिशन, एंड डी है मेकिंग टीम्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली इसका बी होगा, कि बच्चों को मोटिवेट करेंगे आप कि वो एक पेड़ को लगाएं और उसका उसका पालन पोषण करें, पेड़ को देखें कि वो बड़ा हो रहा है, पानी दें प्रॉपर उसे, उसकी केयर करें, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन EBS चिल्ड्रेन पर्टिकुलरली इंजॉय लर्निंग क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स इन ग्रुप्स, बिकॉज फर्स्ट है इसका इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, दूसरा है इट इम्प्रूव्स सोशल लर्निंग, थर्ड है चिल्ड्रेन बिकम हैप्पी एंड रिस्पॉन्ड विद एंथुजियम वेन दे क्रिएटिव वर्क्स आर अप्रिशिएटेड। बिल्कुल, अगर टीचर उनके जो भी वर्क करते हैं उस वर्क को अगर टीचर अप्रिशिएट करता है तो बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं और वो नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छा वो रिस्पॉन्ड करते हैं।
तो हमें एक बार इसको देखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका नेक्स्ट है, इट प्रमोट्स डिसिप्लिन इन द क्लास, यानी कि ये क्लासरूम में डिसिप्लिन को प्रमोट करता है। तो अभी यहाँ पे जो बात हो रही है कि चिल्ड्रेन पर्टिकुलरली इंजॉय लर्निंग क्राफ्ट एंड आर्ट्स ग्रुप आर्ट्स इन ग्रुप्स। तो अगर यहाँ पे हम बात करें डिसिप्लिन की कि बच्चे इसमें डिसिप्लिन सीखेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं हो पाएगी। थोड़ा बहुत तो बच्चे शोरगुल करेंगे ही, इन प्रॉपर वे में बैठेंगे, तो इसका ये नहीं होगा। और इसका बाकी ये जो तीन है ये बिल्कुल सही है कि इट इम्प्रूव्स पीयर लर्निंग, इट इम्प्रूव्स सोशल लर्निंग। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सपेरिमेंटेशन इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ असेसिंग एक्सपेरिमेंटेशन इंडिकेटर। सॉरी, इसका हम देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पिक्चर रीडिंग, दूसरा है क्रिएटिव राइटिंग, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेशन एंड फोर्थ है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। अभी बात एक्सपेरिमेंटेशन की हो रही है। एक्सपेरिमेंटेशन इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात हो रही है तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी से बेटर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज हम एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें, एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लासेस, स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लासेस हैव अ लॉट ऑफ अल्टरनेट कंसेप्शन इन मेनी टॉपिक्स लाइक लिविंग, नॉन लिविंग, वाटर साइकिल, प्लांट एटसेट्रा। द सोर्स ऑफ दिस अल्टरनेट कंसेप्शन कैन बी, पहला है अ फैमिली, दूसरा है टेक्स्ट बुक्स, तीसरा है टीचर्स एंड फोर्थ है स्टोरीज एंड पोएम्स। तो हमें जो करेक्ट वन है हमें वो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड। तो अगर बात हम कर रहे हैं प्राइमरी क्लासेस में, अगर हम अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं नॉन लिविंग, लिविंग, वाटर के बारे में, तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमारे लिए वर्क कर सकती हैं, तो एक बार देख लेते हैं। फैमिली एंड कम्युनिटी ऑब्वियसली वर्क करेगी, अगर प्राइमरी क्लास की बात हो रही है, टेक्स्ट बुक एंड अदर बुक्स ये भी वर्क करेंगी। टीचर्स तो ऑब्वियसली ये वर्क करता ही एज ए फैसिलिटेटर का। एंड डी है स्टोरीज एंड पोएम्स, तो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लास जार्स एंड बोटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, वाई इज इट सो। तो ऐसा क्यों होता है कि जो ग्लास जार्स होता है, बोटल्स होता है, उसको पहले क्यों सुखाया जाता है धूप में, अगर उसके अंदर हम पिकल्स को रख रहे हैं। तो पहला हो गया टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, अच्छा। सेकेंड है टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, ऑल राइट। एंड द थर्ड वन इज टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, एंड दी इज टू मेक पिकल्स टेस्टी। अब इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, टू रिमूव द जो उसके अंदर मॉइस्चर्स होता है, जो उसके अंदर और गीलापन होता है, वो उसको टोटली रिमूव करने के लिए किया जाता है। सो द राइट आंसर वुड बी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेनूज ग्रैंड मदर सोज हर ड्राइड अप वेल एंड टेल्स हर दैट 15-20 ईयर्स एगो देयर वॉज वाटर इन द वेल, मतलब इस कुएं में पहले 15 से 20 साल पहले पानी था, बट नाउ इट हैज़ कम्प्लीटली ड्राइड अप, अभी पूरी तरह सूख चुका है। एंड वट कुड बी द रीजन्स फॉर ड्राइंग अप ऑफ वाटर इन द वॉल। तो उसके हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज द सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल एंड नियर बाई एरिया इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट, अ लॉट ऑफ बोरिंग पम्प्स हैव कम अप इन द नियर बाई एरिया, ये भी बिल्कुल हो सकता है। एंड नोबडी यूजेस द वेल एज दे आर टैप्स इन एवरी बडीज हाउस नाउ, ऑल राइट। सो हमें जो इसका बिल्कुल करेक्ट है, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, हमको वो फाइंड आउट करना है। तो हम इसका जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट अगर आंसर्स की बात करें, तो इसका पहला ये तो होगा नहीं कि सबके घर में ये नोबडी यूजेस द वेल, ऑब्वियसली नहीं। आज भी जब गाँव में जाके देख लो, गाँव में किसी के यहाँ अभी भी टोटियाँ नहीं लगी हैं। अगर यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि हर किसी के घर में टैप्स लग चुके हैं, तो टैप्स अभी हर किसी के घर में नहीं लगे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ए, कि जो आसपास के ये पेड़ वगैरह थे वो सीमेंट से घिर चुके हैं, और बोरिंग ये जो है बोरिंग पंप्स वगैरह ये बहुत सारे हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन
इग्रेट सिट्स एन अ बुफेलो बिकॉज द इग्रेट एंड द बुफेलो हैव सम बायोटिक रिलेशनशिप ऑलराइट एंड द सेकंड वन इज द इग्रेट सिट्स ऑन द बुफेलो फॉर फन थर्ड वन इज द बुफेलो हेल्प्स इन द ट्रांसपोरेशन ऑफ द इग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द थर्ड वन इज द इग्रेट वॉन्ट्स टू स्केयर द बुफेलो। अभी हमको बिल्कुल करेक्ट वन सेलेक्ट करना है कि इनमें से सबसे करेक्ट वन कौन सा है। तो हम अगर ये बोलें कि ये क्या बोलते हैं इग्रेट बुफेलो को डराना चाहता है तो बिल्कुल नहीं होगा, द बुफेलो हेल्प्स ये भी नहीं होगा क्योंकि वो उससे ज़्यादा तेज वैसे ही जा सकता है। द इग्रेट एंड द बुफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो द करेक्ट आंसर वुड बी ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is not a function of roots for the plant? पहला ऑप्शन हमारा टू स्टोर फूड, दूसरा है टू प्रोवाइड ह्यूमस एंड थर्ड वन इज टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट एंड दिस टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 15th क्वेश्चन वुड बी टू प्रोवाइड ह्यूमस, इसका ये है करेक्ट आंसर बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी, अच्छा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमें यही बताना है। देख लेते हैं एक बार। पहला है सी इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, अच्छा बिल्कुल सही है। और दूसरा है सी इज फ्रॉम कर्नाटका, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी साउथ साइड के हैं वो। एंड सी हैज़ मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ हर क्रेडिट, सी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 kg, अच्छा ये भी बिल्कुल सही है। एंड सी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन सी वाज 12 years old, ये वाला गलत है, बिल्कुल नहीं है गलत ये भी। सी वाज उन्होंने स्टार्ट किया था, सी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन सी वाज 12 years, कहीं मैंने पढ़ा था कि वो 12 साल की एज से ही उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया था। तो सी हैज़ मेनी रिकॉर्ड टू हर क्रेडिट एंड शी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 kg, ये वाला जहाँ तक है ये भी सही ही है। एंड सी फ्रॉम कर्नाटका, तो अभी हम इसमें से एक बार देखते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। हमारा पहला ए बी एंड सी ये तो नहीं है, एंड ए सी एंड डी इसका तो करेक्ट आंसर है। ए सी इज़ अ वेट लिफ्टर बिल्कुल, एंड सी हैज़ मेनी रिकॉर्ड टू हर क्रेडिट, ये सही है। एंड इसका जो है ये सी स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग, यानी कि इसका ये गलत है, कर्नाटका की नहीं है, साउथ साइड की, बट सी नॉट फ्रॉम कर्नाटका। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर था वो बी था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेप वेल्स और अबोइल्स। फर्स्ट वन है दे आर अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन, दूसरा है दे वर यूज्ड एज अ कम्युनिटी रिसोर्स, एंड थर्ड है दे आर फाउंड कंस्ट्रक्टेड मेनली इन रेन पार्स्ड स्टेट्स, एंड इसका डी है दे कंटेन ओनली कंटामिनेटेड वाटर। ऑलराइट, सो इसमें से देखना कौन सा हमारा करेक्ट है। पहला है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, ए एंड बी। तो ए एंड बी वैसे सही तो है बट और भी सही है इनमें से, ए बी एंड सी। ऑल राइट, ऑन थर्ड है ओनली ए, फोर्थ है ओनली डी। तो इसमें ये भी सही है दैट दे आर अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज, दूसरा है दे वर यूज एज अ कम्युनिटी रिसर्च, एंड थर्ड है दे आर फाउंड कंस्ट्रक्टेड मेनली इन रेन पार्ड स्टेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर DLED कर रहे हैं या BEd कर रहे हैं तो वर्ली आर्ट के बारे में वहाँ आता ही है, आप पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जो वर्ली आर्ट है हमारी मैम ने भी हमें पढ़ाया था और आज तक मैं नहीं भूला, वर्ली आर्ट जो वो महाराष्ट्र से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, महाराष्ट्र है। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर। अब मैप नहीं है मेरे पास, बट आपको इतना बिल्कुल, अगर आप कर रहे हैं तो मैप लेके बैठिएगा आप, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि जो तमिलनाडु के नियर अराउंड के जो हैं उसके आसपास में कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो पहला हो गया केरला, दूसरा हो गया कर्नाटका एंड तीसरा आंध्र प्रदेश, और दूसरे का है केरला गुजरात एंड कर्नाटका, ये बिल्कुल नहीं है। थर्ड है आंध्र प्रदेश गोवा एंड कर्नाटका, गोवा एंड कर्नाटका एक में ही है, और उसके बाद है गोवा कर्नाटका एंड केरला। तो उसका जो तो राइट आंसर वो भी ए ही है, केरला कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश ये है। और तमिलनाडु के जो इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं वो यही हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प, मतलब इनमें से कौन सा है जिसका जो सेंस ऑफ हियरिंग है, जो सुनने का सेंस है बहुत ज़्यादा शार्प है, दैट इट कैन मेक आउट आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्लिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। मतलब ये इतना ज़्यादा तेज है कि अगर कुछ पत्तियों पर भी कुछ मतलब वहाँ पर कुछ खड़खड़ाहट हो रही है या घास के अंदर भी कुछ मूविंग हो रहा है तो उसको पता चल जाता है। तो हमें बताना है इसमें से करेक्ट वन कौन सा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे टाइगर दादा हैं, इनसे बेटर और कोई नहीं हो सकता ऐसा है। इनका जो सुनने की क्षमता है बहुत तेज़ है, कभी भी आप देखिए जब चलते हैं तो इनके कान आप देखिए कैसे इनके कान रहते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला, अगर कोई एक अहमदाबाद से केरला के लिए अगर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, एंड वन कम्स अक्रॉस मेनी टनल, और वन कम्स अक्रॉस मेनी, और जो दूसरा काफ़ी सुरंग से आ रहा है, दीज टनल्स आर इन द हिल्स ऑफ, और ये जो टनल्स हैं कौन से हिल्स में हैं, तो हमें ये बताना है। और जो ये ट्रैवलिंग की बात हो रही है, ये बात हो रही है अहमदाबाद टू केरला की, तो अभी इसके जो टनल्स हमें बताने हैं तो वो टनल्स कौन सी पहाड़ी के हैं हमें ये बताना है। सो देख लेते हैं, पहला है विंध्याचल, ये नहीं है, दूसरा है अरावली भी नहीं है, तीसरा है वेस्टर्न घाट्स और फोर्थ है ईस्टर्न घाट्स। तो ये जो टनल्स हैं ये ऑब्वियसली हैं वेस्टर्न घाट्स के, तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका सी है, सी इज़ द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं हम, अगला हमारा नेक्स्ट है हमारा 82 यानी कि 22वां क्वेश्चन आज का, द अर्थ इज राउंड एंड देयर इज एक्चुअली नो अप एंड नो डाउन ऑन द अर्थ एंड इट इज जस्ट रिलेटिव, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ, मतलब हम कहाँ के पीपल्स हैं जिनके हम बिल्कुल अपोजिट में अगर बात करें, हम एक्चुअल अपसाइड डाउन इन, मतलब कहाँ कौन से ऐसी ऐसा कौन सा एरिया है, मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है तो जिससे हम बिल्कुल अपसाइड में, बिल्कुल अपसाइड डाउन में हम स्टैंड करते हैं, तो हमें ये बताना है। तो इसके ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अलास्का यानी कि यूएसए, ये अलास्का उसका एक स्टेट है, दूसरा है लिबिया, तीसरा है अल्जीरिया एंड फोर्थ है अर्जेंटीना। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट, वो है अर्जेंटीना। राइट आंसर इज हमारा अर्जेंटीना। अलास्का का मैंने आपको सिर्फ स्टेट बताया था कि यूएसए का स्टेट है, बट हमारा जो राइट आंसर है वो अर्जेंटीना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, दिस इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं हम, इट इज़ एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन स्टैगनेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, दिस इज बिकॉज, पहला है ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई दे बाई स्टॉप्स द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, दूसरा है मॉस्किटोज आर रिपेल्ड बाई ऑयल, अच्छा तीसरा है मॉस्किटोज आर किल्ड बाई ऑयल, एंड इसका फोर्थ वन है मॉस्किटोज गेट स्टक इन द लेयर ऑफ ऑयल। ओके, सो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका डी तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड दे बाई स्टॉप्स द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, ये जेन्युइन है और इसका करेक्ट आंसर भी यही है। ये थोड़ा लग भी रहा है कि ये सेंस, ये कोई सेंस बना रहा है, ये तो कोई इतना सेंस भी नहीं बना रहे। तो द राइट आंसर वुड बी ए। आफ्टर दैट
लुक फॉर द फर्दर क्वेश्चन. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज. ओके, इनमें से कौन सा ऐसा कीड़ा है जो बताना है जो एक साथ नहीं रहते, जैसे मधुमक्खियाँ रहती हैं, इसमें इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं रहते, डज नॉट लिव टुगेदर. पहला है वास्प, दूसरा है अंत, तीसरा है टर्माइट, फोर्थ है स्पाइडर. अब हमें इसमें से करेक्ट वन बताना है. तो स्पाइडर की बात करें, स्पाइडर कभी भी ये ग्रुप में नहीं रहते, ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं स्पाइडर्स. तो जो राइट आंसर वुड बी स्पाइडर. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस इन रूरल एरिया इज लिंक्ड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच दे आर बिल्ट. देर इज अ विलेज वेयर हाउसेस हैव फॉलोइंग फीचर्स. हाउस आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स. इनसाइड द हाउस इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड. हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 3 मीटर टू 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड. मतलब इतने ज़मीन से ऊपर बनाए जाते हैं. इस जगह के बारे में तो बच्चे बच्चे को पता है, आपको भी पता ही होगा कि ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पे ये बम्बूज पे बनते हैं घर ये, क्योंकि वहाँ पे पानी का खतरा कभी भी होता है यहाँ पे बारिश का. एंड रूफ आर मेड विद द स्लोप, और जो इनकी छतें होती है वो स्लोप से बनी होती है. इफ़ इन दिस विलेज इट रेन्स हैविली द विलेज शुड बी पार्ट ऑफ. मतलब ये कौन सा ऐसा पार्ट है, तो ये ऑब्वियसली असम का पार्ट है. इसका जो करेक्ट आंसर होगा असम होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो घर हैं वो ऐसे नहीं बनते. यहाँ पे या तो छप्पर होती है, या फिर ये खपरेले के होते हैं, या फिर छत की होती है, ईंट की छतें होती है. बिहार का भी वही है, राजस्थान का तो बिल्कुल ही अलग है, वहाँ भी अलग से ही बनते हैं. तो असम में ऐसा होता है. सो द राइट आंसर वुड बी असम. नेक्स्ट हमारा है, कुडुक इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ. कुडुक जो है ये कहाँ की लैंग्वेज है, हमें ये बताना है. तो कुडुक मिजोरम पहला ऑप्शन है, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है उत्तरांचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, और फोर्थ है हमारा झारखंड. तो कुडुक जो है वो झारखंड की ही लैंग्वेज है. आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ में फिल करने के लिए, शायद आप भी करेक्ट कर सकते हैं. आप जितना करेक्ट करते हैं मुझे साथ साथ आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कितना सही गया 30 में से. इसका झारखंड होगा. अगला देखते हैं हमारा, एज पर द एन सी एफ 2005 विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस. जो ईवीएस का थीम था 2005 की बात करें, एन सी एफ 2005 की, तो वो क्या था. पहला है फूड, दूसरा है सोलर सिस्टम, तीसरा है वेदर, और फोर्थ है एनर्जी. सो जो इसका थीम था वो फूड ही है. फूड इज द थीम अकॉर्डिंग टू एन सी एफ. देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग अ थीम बेस्ड अप्रोच इन ईवीएस. अब हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा है. ये कितने ऑप्शन हमारे पास, 4 ऑप्शन हैं, हमें ये देख के बताना है. फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन गिविंग अ स्ट्रक्चर टू लेसन प्लान्स एंड मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिव. दूसरा है, इट हेल्प्स इन मेकिंग टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड. तीसरा है, इट हेल्प्स इन कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट इशूज एंड स्किल्स. और इसका फोर्थ है, इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग सब्जेक्ट्स बाउंड्रीज एंड एक्सेसिंग नॉलेज होलिस्टिकली. सो द राइट आंसर वुड बी ए. इट हेल्प्स इन गिविंग अ स्ट्रक्चर टू लेसन प्लान्स एंड मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिवली. सो द राइट आंसर वुड बी ए. स्टोरीज आर एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग ईवीएस. जो स्टोरीज हैं, स्टोरीज आर एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग इन ईवीएस प्राइमरी क्लासेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट. मतलब इनमें से कौन सा लीस्ट अप्रोप्रिएट है. रीजन फॉर इंक्लूडिंग स्टोरी टेलिंग एज पैडागॉजी इन ईवीएस क्लासरूम. हमें बताना जो सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट है वो कौन सा है. तो एक बार हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं चारों, फिर जो करेक्ट वन होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे. तो पहला इसका देख लेते हैं हम. पहला है, स्टोरीज
इंक्लूड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन अभी हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। स्टोरेज कट अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स एरियाज, ओके। थर्ड है स्टोरेज हेल्प इन क्लास मैनेजमेंट, और स्टोरीज प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू रिलेट ईवीएस कॉन्सेप्ट्स। अगर हम सबसे लीस्ट की बात करें तो हम बिल्कुल क्लासरूम को ही लेंगे, ओनली क्लासरूम तक की ही बात करेंगे, हम वहीं तक सीमित कर लेते हैं, क्योंकि इन चारों में से जो ऑप्शन है लीस्ट का वो यही जाएगा, इसका जो आंसर जिसका जो आंसर है वो सी होगा, स्टोरेज हेल्प्स इन क्लास मैनेजमेंट। अब देख लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन आज का, बट नॉट लीस्ट। ये क्वेश्चन है, द कंटेंट इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड, एक ईवीएस क्लासरूम का जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए। अवॉइड डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, ऑल राइट। दूसरा है डिस्करेज रोट लर्निंग। तीसरा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर। डी है गिवन ओनली रिटेन इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड। तो अभी इसके हम करेक्ट आंसर देखते हैं, जो पहला देख लेते हैं, मगर ऐसे नॉर्मली देख लेते हैं हम। पहला है अवॉइड डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। अगर हम बात करें ईवीएस में तो बिल्कुल इस चीज़ को हम करते हैं, अवॉइड करते हैं डिस्क्रिप्शंस और डेफिनेशन को। दूसरा है डिस्करेज रोट लर्निंग, हम रोट लर्निंग को डिस्करेज करते हैं कि सिर्फ रट्टा फिक्सन ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ फैक्ट चाहिए, यहाँ पे फैक्ट लगते हैं। एंड तीसरा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चाइल्ड टू क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर, बच्चों को क्वेश्चन करने का मौका दो जिससे कि वो खुद सीख सकें। और ये गिवन ओनली रिटेन इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड, अगर आप बच्चों को सिर्फ लिखी हुई चीज़ें बताओगे तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। तो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, ए बी एंड सी जो है इसका, ए बी एंड सी ये तीनों इसके सही हैं, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही लर्नर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आपका मन करे, क्योंकि आपका ही चैनल है, आपकी ही वीडियो है और आप ही सीख रहे हैं, तो जो भी आपका मन करे आप कीजिए। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे हमारा नाम है पढ़ेगा इंडिया विदर्स, आप यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर हमें आप टेलीग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे पीडीएफ और जो भी हम पढ़ाते हैं उसका ऑलमोस्ट आपको वहाँ पे हम लिंक मिल जाएगा, तो पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया वर्ल्ड के नाम से हम आप हमें वहाँ भी फाइंड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ टॉन, ख्याल रखिए, थैंक्स अ लॉट।